नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश, और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं मैं इस हाक राम दुर्गी के कहानी संग्रह प्रोपेगेंडा से कुछ कहानियां। और हमारी आज की कहानी है दावते अप्रैल फूल। समाज शास्त्र में पढ़ा था मनुष्य सामाजिक प्राणी है। प्राणी शब्द उस समय कुछ अजीबोगरीब लगता था। कहां सुविधा संपन्न मानव जाति और कहां ये जीव जंतु। भला किस आधार से उन तथाकथित समाज शास्त्रियों को लगा होगा कि मनुष्य भी प्राणी होता है। ऐसे कौन से पैमाने रहे होंगे उनके पास जो इन दोनों की तुलना कर दिए। कहां हमारा स्तर और कहां ये बेचारे मूक प्राणी। जैसे तैसे थोड़े बहुत फलसफों का आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता गया, कुछ तथ्य पन्नों से उजागर होते गए। बात कुछ देर बाद समझ में आई कि आखिर क्यों इंसान को अश्रुफुल मखलूकात कहा गया। ये भी अन्य की तरह मखलूक पर है, लेकिन अशरफ नामक विशेषण ने इसे सबसे आला मकाम अता फरमाया। ये विशेषण भी उसे ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, सदियों गुजर गए। डार्विन का विकासकारी सिद्धांत इसका एक प्रमाण भी हो सकता है, बल्कि यूं कहें तो अनुचित भी नहीं होगा कि उसका सारा सिद्धांत ही इस एक विशेषण की खोज में लगा हुआ था और आज भी ये सिलसिला जारी है। बात कहने और सुनने में थोड़ी अजीब लगती जरूर, लेकिन यह भी सच है कि इसी विशेषण के इर्द गिर्द मानवीय वृत्तियां चक्कर काटती रहती हैं। अगोचर, हाँ, उजागर तभी होती हैं जब किसी निश्चित परिणाम तक पहुंच जाए। कुछ सकारात्मक हो तो कुछ नकारात्मक। जहनी कुवत जो इंसान ने हासिल की है वो सारी कायनात में किसी और के पास नहीं। ऐसा नहीं है कि अन्य जीवधारियों में यह विशेषता बिल्कुल नहीं है। वे भी सोचते और समझते हैं, लेकिन इंसानी जहन के माफिक सालों आगे पीछे की सोच उनमें नहीं होती। उनकी यह क्षमता क्षणिक, ये यूं कहें कि कुछ समय के लिए मात्र होती है। दूसरी ओर मनुष्य के सोचने समझने की कोई सीमा नहीं होती। जिज्ञासु प्रवृत्ति, हाँ, ये भी एक वरदान ही है जो सिवाय मनुष्य के सब इससे वंचित रहे। पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत खलिहान, झील समंदर, आबो हवा के मिजाज को समझने की जिज्ञासा, दिन रात होने का भेद, विभिन्न ग्रहों की प्रकृति को जानने समझने के पीछे भी इसी प्रवृत्ति का योगदान रहा है। चंद्रयान मंगलयान के बाद अब सूरज से आंख मिलाने की जो तैयारी हो रही है, इसके पीछे इसी प्रवृत्ति का हाथ रहा है। बच्चा कोई खिलौना देखता है तो उसमें उस खिलौने को प्राप्त करने की आकांक्षा प्रबल हो जाती है। वो जिद करने लगता है, हर हाल में उसे प्राप्त करना चाहता है। वस्तु के प्रति इस प्रयास में वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। उस वक्त तक उसमें अमुक वस्तु या खिलौने के प्रति इतनी तीव्र जिज्ञासा जन्म लेती है कि पूछो मत। लेकिन जब वही खिलौना प्राप्त हो जाता है तो उसमें वो तीव्रता समाप्त हो जाती है। कुछ दिन बाद वो उससे ऊब जाता है। जब देखता है कि कोई दूसरा बच्चा खिलौना हाथ में थामे हुए है तो अब वो उसके प्रति आकृष्ट होने लगता है और अब उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है, भले ही वो खिलौना उसके खिलौने से सस्ता और देखने में सादा ही क्यों ना हो। एक को पाने की इच्छा जहां उसमें अतीव उत्सुकता भर देती है, वहीं लगातार उसके साहचर्य का परिणाम उसमें उस वस्तु के प्रति अतृप्तता को जन्म देता है। इसी अतृप्तता के चलते मनुष्य सरल से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन की तलाश में जुट जाता है। अन्य जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करेंगे और शांत हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य का जीवन उतना सरल नहीं। एक तो उसकी ख्वाहिशातों की इंतहा नहीं और दूसरा कभी भी पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं हो पाता। इस पर अपने होने या अस्तित्व को साबित करने की प्रक्रिया उसमें छलांग मारती रहती है। अन्य प्राणियों की तरह वो भी समूह या समाज में रहता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आपसी निर्भरता और सहयोग को अवश्य स्वीकारता है, परंतु इसके बावजूद वो अपने अहम को बनाए रखने की फिराक में रहता है। हर समय मौके की तलाश में रहता है कि कब अपने आप को औरों से खास साबित करूं। ये ऐसी विशेष प्रवृत्ति है जो समय एवं परिवेश के माकूल हो तो वर और अगर विपरीत हो तो अभिशाप साबित हो सकती है। समय एवं परिवेश के माकूल वाले फलसफे का व्यवहारिक ज्ञान हमें तब हुआ
जब सुलेमान की खासुल खास प्रवृत्ति ने हमें ले डूबा। हम तो डूबे हैं सनम, साथ तो मैं भी ले डूबेंगे। बात कहने और सुनने में अटपटी लगे, लेकिन हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। सच कहा जाए तो उस घटना ने ही मानवीय विशिष्ट प्रवृत्तियों को जानने समझने के प्रति मजबूर किया। बात अपने हाई स्कूल के दिनों की है। सुलेमान कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ चुका था, उम्र और तजुर्बे में हमसे काफी आगे निकल चुका था। अपने हम उम्र लड़कों से उसकी पटती नहीं थी, और बात कुछ देर बाद पता चली कि उसकी नवाबी प्रवृत्ति के चलते कोई हम उम्र उसके साथ ज्यादा उठता बैठता नहीं था। किसी भी काम में अपना दैहिक योगदान देना उसे पसंद नहीं था, लेकिन बातें ऐसी कि पहाड़ भी हिलने लगे। अब ऐसे में कौन हम उम्र चाहेगा कि गुरु शिष्य की परंपरा का अनुयायी बने। फिर क्या था, सुलेमान की नसीब कि हम दो शिष्य मुफ्त में मिल गए, और हम बदनसीबों के लिए यह भी एक खुशी की बात थी कि हमें एक नवाबी दोस्त मिल गया था। सुलेमान हमेशा कुछ विशेष करने की फिराक में रहता। उसकी इस प्रवृत्ति की जानकारी हमें ईद के दिन मिली। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि ईद के दिन वो कुछ खास करने वाला है, पर वो खास क्या है ये भी बड़ी पेचीदगी का मामला था। हमने कई बार दोस्ती का वास्ता दिलाया, फिर भी उसने जुबान नहीं खोली। जब भी पूछते तो यही कहता, यार ईद के दिन खुद देख लेना, मैं अब बताऊंगा तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।